वही सवाल है आपसे जो आप स्टेज पे बोल चुके कि आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा पढ़ लेते हैं, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा दर्द रख के कैसा पढ़ लेते हैं और इतनी सारी सलाहियतों आप कैसे हासिल करें, जबकि आप बता रहे थे कि आप हिंदी के पढ़ने वाले हैं फिर उर्दू बोल लेते हैं, वो भी कौम का दर्द, इतना ज़्यादा दर्द। मैं टोटली हिंदी का आदमी हूँ, मैंने एकेडमिक तौर पर उर्दू की एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उर्दू चूँकि खून में शामिल है, घर में परवरिश ऐसी थी कि उर्दू थी हमारे खून में। शायरी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, अब्बू डॉक्टर हैं तो शायरी कई पीढ़ियों तक खानदान में कहीं नहीं थी, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो वो काम ले लेता है। मैं तो ये मानता हूँ कि बस अल्लाह काम ले रहा है। दर्द गाना सब मुझे भी लगता है कि मेरे बस की बात नहीं, कोई एक ताकत है जो मुझसे ये सब कुछ करवा रही है। मैं अपनी सलाहियतों की कोई बात ही नहीं करता। बहुत लोग हैं सलाहियतमंद हिंदुस्तान में, मुझसे अच्छे शायर हैं, मुझसे अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्लाह शायद किसी किसी को चुनता है काम लेने के लिए, वो मुझसे काम ले रहा है। और देखिए मुशायरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारी कौम मुशायरा सुनने बड़ी तादाद में आती है, वो मजहबी मजबूरियों की वजह से डांस के प्रोग्राम में नहीं जा सकती, म्यूजिकल प्रोग्राम में नहीं जा सकती, तो मुशायरा उसके लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। अब शायरों की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी भीड़ में जहाँ लोग सुनने का मूड बना के आते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जुल्फ और आंचल और लबो रुखसार की बातें करें या फिर वहाँ से कोई मैसेज दे दें। तो जब मैं मुशायरों की दुनिया में आया तो मैं भी जुल्फ और आंचल की शायरी करता था, मुझे लगा कि यार ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हजारों हजार लोग पूरी रात बैठे हुए हैं, इनको जो चाहो वो मैसेज दो, इनसे जो चाहो वो तरबियती काम करवा लो। तो मैंने एक मिशन बनाया कि नहीं मैं मुशायरे का कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल करूँगा, और आज अल्लाह का करम है कि घर घर सुना जा रहा हूँ उसकी नवाजिशें। जी आप इतने कम उम्र में इतने बड़े छोटे के शायर बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप काफ़ी हैंडसम है, शोबिज़ में भी ट्राई कर सकते थे, फिर ये मुशायरे चुनने का खास मकसद? नहीं देखिए एक ज़मीर नाम की चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे रोकती है। फिल्मों में गीत लिखने के बहुत सारे ऑफर आए या फिल्मों में काम करने के बहुत सारे ऑफर आए, हाँ पॉपुलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो किसी भी दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ, लेकिन ईमान भी तो है। मसला फिर नहीं गुमनाम बात है कि कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास जी, कोई मीडिया शायद मुझे कवर तक नहीं करती, ईटीवी उर्दू रिकॉर्ड करती है तो इतना एडिट कर देती है कि दिखाती तक नहीं। ये गुमनाम शोहरतों का मामला यही है कि बिना किसी मीडिया हाउस के, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सपोर्ट के, एक इंसान जहां जहां उर्दू बोली जा रही है, जहां जहां मुशायरा सुनने वाले लोग हैं, अगर उनकी जुबान पर है, लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। तो ये तो कुछ चमत्कार ही है, करिश्मा ही है। मैं मानता हूं कि वो गुमनाम सी शोहरत है और ऐसी शोहरत है कि मैं जहां नहीं पहुंच, मैं जगत्याल कभी नहीं आया था, मैं करीमनगर कभी नहीं आया था, लेकिन जहां जा रहा हूं वहां लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, उनके मोबाइल के चिप में इमरान प्रतापगढ़ी के मुशायरे रखे हुए हैं। तो ये शायद शोहरत ही तो है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह बस अल्लाह मन में गुरूर ना आने दे। इमरान भाई एक बात ये चल रही है कि अब आम तौर मुशायरे में अगर इमरान प्रतापगढ़ी आ गए तो मुशायरा खत्म, यानी मुशायरा लूट लेते हैं और शोहरा को कलाम सुनाने का मौका नहीं मिलता, क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं ये मेरा कसूर तो नहीं है जी। अगर ऐसा है भी तो ये मेरा कसूर तो नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी शराफत से, पूरे एहतरामन बैठता हूँ, हर शायर को सुनता हूँ, एक 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 शायर को एक एक मिसरे पे दाद देता हूँ, हत्ता कि जो शेर बहुत कायदे का नहीं होता उस पर भी दाद देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शोहरत दी है, मुझे देखकर शायद सामने बैठे हुए मेरे चाहने वाले भी उसे दाद देंगे, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब मेरे बाद मुशायरा खत्म हो जाता है, अब ये मुझे नहीं लगता ऐसा है, मैं तो बहुत छोटा सा शायर हूँ। पहली दफ़ा इलाके तेलंगाना में आए हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उर्दू का तबका बहुत बड़ा तैयार में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा उर्दू बोलने वाले, कैसा महसूस करें? और दूसरी बात ये एक पर्सनल सवाल, क्या आपकी मैरिज हो चुकी है? अगर हो गई तो आप घर वालों को कितना टाइम दे पाते हैं? नहीं नहीं अभी मैं पूरी तरह से कुंवारा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी तरह से बचा हुआ हूँ। शादी भी एक अहम फरीजा है, उसे पूरा करना है, माँ बाप की ख्वाहिशें हैं, घर परिवार की ख्वाहिशें हैं, उसे भी पूरा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी एक बड़े मिशन पे हूँ। मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये है, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं कॉलेज बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कौम के तालीम के लिए बड़ा काम करना है। मैं इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज के लिए फ्री कोचिंग शुरू करने चल रहा हूँ माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए, तो ये दो काम हैं जो मेरे लिए बड़े हैं, शादी से ज़्यादा अहम है मेरे लिए। तो अभी ये सब कर लूँ इंशाल्लाह घर भी बसाऊँगा, क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिशों का वो वाला एहतराम भी करना ही है। तेलंगाना में अगर कैसा मिल जाए? बहुत अच्छा लग रहा है, तेलंगाना के बारे में बहुत सुनता रहा हूँ, तेलंगाना की जो जंग है, जिन लोगों ने तेलंगाना हासिल करने के लिए, आपके पास ये मेरे पड़ोस में भी बैठे हुए हैं, इन लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आपने छीन लिया तेलंगाना, तो आपको मुबारकबाद।
और दुआ करिए कि मैं बार बार आऊँ, मैं भी आना चाहूँगा बार बार। आप स्टेज से एक बहुत अच्छा मैसेज सुन रहा था आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान आपको पसंद करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि सारे यूट्यूब पे आपके, मेरे पास भी खुद बहुत से वीडियो है जो मैं अपनी टीवी भी चला चुका हूँ और बहुत से लोग पसंद भी किए हैं, ऐसे नौजवान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ दो चीज़ें कहूँगा मैं जो मेरे हम उम्र मुझे चाहने वाले हैं, कितना भी मस्ती करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी तरह की किसी भी तरह की जिंदगी जियो, कोई मनाही नहीं है, बस ये है कि नमाज पढ़ो। पहला सबसे पहला मैसेज है कि नमाज पढ़ो। दुनिया में हर बुराई का जो है इलाज जो है सिर्फ नमाज है, नमाज पढ़ो। जो भी कर रहे हो, अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, नमाज पढ़ो। दूसरी चीज ये कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, बिजनेस मैन बन के अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत पैसा अपने लिए कमा सकते हो, घर के लिए कमा सकते हो, लेकिन अगर सच में कौम की भलाई चाहते हो, समाज की भलाई चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पॉलिटिशियन बन के आप तकरीरें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अमल में लाने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जब तक आईएएस बन के कलेक्टर बन के जिले में नहीं बैठोगे, आईपीएस बन के, एसपी बन के, पुलिस कमिश्नर बन के जिले में नहीं बैठोगे, तब तक तुम्हारे मसलों के हल नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा आज के इस मुशायरे में आने की जो पूरी ताना बाना बुना वो ख्वाजा विकार साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वो इस समय जिद्दा में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आप सबसे मुलाकात कराई। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत दुआएं दी, आप बेशुमार मोहब्बतें दी, तो इस चैनल के जरिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए। बहुत मशहूर है आपका, सिर्फ एक के 5 दिन की हुकूमत पे हमारे लोगों पे बोल दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वो अल्लाह ने बात कहलवा दी, बस अल्लाह ने बात कहलवा दी कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत आपकी राय हमारे तक पहुंचा रहे थे, हम मशहूर रहेंगे।